नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कहीं किसी किताब में ये कुछ वाक्य लिखे थे जो आज के परिपेक्ष में एकदम सटीक बैठते हैं। यदि किसी समाज को पंगु बनाना हो तो उसके परिवार को मूल्य विहीन कर दो। ये किसी भी एजेंडे को उसके अंजाम तक पहुंचाने की पहली और आखिरी शर्त होती है। परिवारों को मूल्य विहीन बनाने के लिए महिलाओं, बच्चों और युवाओं से ज्यादा सॉफ्ट टारगेट और कौन हो सकता है। और ऐसा ही किया जा रहा है उन कथित कॉमेडियंस के द्वारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे संस्कारों और देवी देवताओं को लेकर बेहुदा टिप्पणियां कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, कुछ वर्षों से हिंदू धर्म के खिलाफ ये सांस्कृतिक आतंकवाद बढ़ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज हो या ये फूहड़ कॉमेडियन, ये किस मानसिकता के साथ समाज में गंदगी फैला रहे हैं? आजकल अभिव्यक्ति की आजादी के बहाने स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर मात्र हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल करें, पुंगी, तो एकदम सही होगा, क्योंकि सब जानते हैं पुंगी की अपनी कोई आवाज नहीं होती, जो इन्हें बजाता है ये उसी के सुर में बजती है। तो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जो ऐसा कर रहे हैं ये तो बस पुंगी है, इनके पीछे की आवाजें कोई और है, जिनकी मानसिकता ही हिंदू विरोधी है। पुंगी बने ये कथित कॉमेडियंस आखिर हिंदू विरोध का ही सुर क्यों निकाल रहे हैं? कहां से मिल रही है इन्हें ये ताकत, ये सोचना होगा। ये कॉमेडियंस फेम के लिए और रातों रात हजारों लाखों व्यूवर्स हासिल करने के लिए न केवल धर्म के साथ उपहास कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे सामाजिक मूल्यों और संस्कारों पर भी घात कर रहे हैं। आपको बता दूं, सौरभ घोष, अतुल खत्री, कुणाल कामरान, हसन मिन्हाज, अग्रिमा जोशुआ जैसे न जाने कितने नाम हैं। ये कॉमेडियन हिंदू महापुरुषों का अपमान करते हैं, उनके आदर्शों का सरेआम मजाक उड़ाते हैं, साथ ही ये अश्लील और सस्ते चुटकुले मारकर खुद की बेहुदा क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करते हैं। और ये विडंबना है, कई युवा इनकी फूहड़ पंक्ति पर तालियां बजाते हैं और हंसी के ठहाके भी लगाते हैं। लेकिन कहते हैं गंदगी एक दिन साफ जरूर होती है जब लोग खुद स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हैं, और इसी के चलते इनके पुराने ट्वीट्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की कोई चीज इनमें है ही नहीं। हिंदू, हिंदू रीति रिवाज, देवी देवता और हिंदू आदर्शों के प्रति घृणा ही है जो इन्हें ऐसा बनाती है। अब जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा, ये केवल पुंगी मात्र है। आज इन्हीं में से एक है राधिका वाज, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। राधिका ऐसी महिला है जिसे बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं किया जाता, लेकिन हंसी मजाक को ढाल बनाकर वो अपनी घटिया सोच प्रदर्शित करती हैं। इन बहन जी की ऐसी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें सार्वजनिक मंच पर बिना कपड़ों के कॉमेडी कर रही थी। साल 2015 का एक शो हुआ, व्हाट द फक शुड आई वेयर, शीर्षक के मुताबिक ही राधिका अपने भ्रम का प्रदर्शन करने के लिए स्टेज पर नग्न अवस्था में कॉमेडी कर रही थी। एक लड़की होने के नाते मुझे ये बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच्चाई से रूबरू कराना हमारा काम है। अपने एक वीडियो में राधिका ने बेहद घटिया तरीके से करवा चौथ का मजाक बनाया। राधिका के मुताबिक जो औरतें अपने पतियों की सेहत और उम्र के लिए व्रत रखती हैं, वो बिच होती हैं। मतलब आप समझ गए होंगे। 2 मिनट की वीडियो में राधिका ने घटिया शैली में इस धार्मिक त्योहारों का मजाक बनाया। रमेश सोलंकी नामक इस यूजर ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर भी किया है, और सरल शब्दों में कहना गलत नहीं होगा कि राधिका के हंसी मजाक का तरीका बहुत ही अजीब और बेहुदा है। ये देखिए राधिका का एक ट्वीट, बड़े ही नाज के साथ कह रही हैं अपने पिता को डैड नहीं बुलाती, बल्कि ये गंदी गाली से उन्हें पुकारती हैं। आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। राधिका हिंदू धर्म मान्यता और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की भावनाएं आहत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। वहीं इस्लाम धर्म के लिए राधिका का रवैया बेहद नर्म है। एक ऐसी कॉमेडियन जो स्टेज पर बिना कपड़ों की कॉमेडी करती हैं, वही इस्लाम धर्म के पहनावे, बुरके और हिजाब में बराबर रुचि रखती हैं। राधिका को हिंदू धर्म से जुड़ी हर चीज से नफरत है। ये लड़की कहती है कि भारत दुनिया का 4th सबसे खतरनाक देश है और इसके लिए हिंदू धर्म के आदमी जिम्मेदार है।
और भी ऐसे कई सारे स्क्रीनशॉट हैं जो शायद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप भी गुस्से से भर जाएंगे। बेशक जितना निंदनीय है किसी धर्म का उपहास उड़ाया जाना, उससे कम निंदनीय नहीं है अपने धर्म का उपहास उड़ाने वालों को देखकर चुप्पी साध लेना। आपको अपने और अपने परिवार को इस सांस्कृतिक आतंकवाद से बचाकर रखना होगा, वरना देवी देवताओं और महापुरुषों के अपमान से चली ये साजिश हमारे संस्कारों परिवारों से होती हुई पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी। स्टैंड अप कॉमेडी की इन पुंगियों का ये घटिया व्यवहार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में नहीं छुप सकता, ये विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक आतंकवाद है जो घरों में घुस रहा है। अभी तक सहिष्णुता ने ही हिंदू धर्म को बचा रखा है और इसी सहिष्णुता ने धर्म को विधर्मियों के हवाले कर दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ आज मैं आपकी राय नहीं, आपका सुझाव चाहूंगी। संस्कृति को बचाने के लिए आप क्या योगदान दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।